सफर नहीं ये है इंतहा, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, हम सब के वाली। अरे क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम काम छोड़कर ही चली गई और मुझे बताया भी नहीं? अरे भाई होता रहता है ऐसा, लेकिन बताओ तो सही, क्या सायरा ने? लेकिन मैं अरे भाई मेरी बात तो सुनो। अरे जी पागल है, मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी सर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम घर के मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो। पर भाभी मैंने तो क्या, मगर भाभी मैंने तो, तुम जितनी मासूम नजर आती हो ना उतनी हो नहीं। अगर इतनी भी भोली होती तो तलाक लेकर यहाँ ना आकर बैठती। भाभी मैंने तो और ये और वो खामखा मासी को निकलवा दिया। मैंने घर वालों के दबाव में आकर तुमसे शादी की थी। मैं नाजिया को पसंद करता हूं और हम कल निकाह कर रहे हैं। ये रहा तुम्हारा तलाकनामा। देखो तुम अच्छी लड़की हो, कोई ना कोई अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही जाएगा। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। मेरे परवरदिगार, ना करता गुनाह की इतनी बड़ी सजा, हर छोटी बात पर इतना बड़ा ताना। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे हाल पर रहम कर, रहम कर दे मेरे मालिक, बहुत रहीम और करीम है, मेरे पर रहम कर दे। सायरा, सायरा, अरे सायरा का भी सुन भी लिया करो। जी भाभी क्या हुआ? क्या हुआ भाभी, कहाँ रहती हो तुम? मैं वो मीरा के घर जा रही हूँ, उसकी और उमर की लड़ाई हो गई है। ना जाने इस लड़के को क्या हो गया है, हर वक्त बच्ची से लड़ता रहता है। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे जाने से बात ना बढ़ जाए। मैं खुद निपटा लूंगी, तुम बस घर का ख्याल रखना, समझी? आ रही हूं मैं, देख के अल्लाह खैर करे बस। फोन क्यों नहीं उठा रही है?
क्यों नहीं उठा रहा? हम भी फोन उठाएं। खैर करे, सब खैर हो वहां पे। मेरा हाथ, तुम रो क्यों रही हो? उमर ने मुझे तलाक दे दी, उसने उमर से शादी कर ली। उसका और मेरा रिश्ता जबरदस्ती का था। तारीख ने खुद को मुझसे दोहराया है। इस घर की बेटी वापस आ गई है। तो छोड़ कर नहीं जा सकती पप्पो। वो आपको क्या हुआ है पप्पो? पप्पो पप्पो आगे पप्पो आगे। पछतावा करने का क्या फायदा अम्मी? जब वो जिंदा थी तो आप हर छोटी बात पर उन्हें तलाक याफ्ता कहने का ताना देती थी, मगर वो आपको कुछ नहीं कहती थी। लेकिन उनकी मोहब्बत देखिए, आपकी बेटी के दुख में की जान ही ले ली। मैंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया मैं। मुझे सारा से माफी मांगी, मुझे तुमसे माफी मांगी। मेरी बच्ची, मेरे किए की सजा तुम्हें मिली, तुमने मिली। मैं किसी सारा तुमसे बहुत प्यार करती थी। उसे कहो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, वो मुझे माफ कर दे। हम किसी की दिल आजारी करते हुए ये नहीं सोचते उसके दिल पर क्या गुजर रहा है। बस कह देते कि वो जो अल्लाह है ना, वो सब देख और सुन रहा होता है। बेशक वो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, सायरा पप्पो तो चली गई, लेकिन अब एक दूसरी सायरा आपके घर की दहलीज पर रहेगी, जिसकी तकलीफ आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। यही कुदरत का काम है।
सारा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, मुझे माफ कर दे। तुम माफ करोगी तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। मुझे माफ कर देना सायरा, मुझे माफ कर देना सायरा, मुझे सजा मिल गई है, मुझे सजा मिल गई है सायरा, माफ कर दे, माफ कर देना। सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। और झुकाऊं अब उस दर पे इस दर का ना है कोई बयां। अब क्या करूं के तू बख्शे गुना, हाँ भटक गया था अब दे दे पना। Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahula Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARY sahulatbazaar.pk 021-111-00162 Powered by ARY Sahulat Wallet.